हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही इजी एंड सिंपल डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए डिजाइन सिर्फ 10 रोज का डिजाइन है, आपको ये 10 रो रिपीट करते जाना है, 1 से 10 रो तक ही। देखिए इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी कार्डिगन, लेडीज कार्डिगन, बेबी ब्लैंकेट, फ्रॉक, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए डिजाइन सिर्फ 11। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही सिंपल डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए डिजाइन सिर्फ 10 रोज का डिजाइन है, आपको ये 10 रो रिपीट करते जाना है, 1 से 10 रो तक ही। देखिए इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी कार्डिगन, जेंट्स जैकेट, बेबी फ्रॉक, ब्लैंकेट, कैप, मफलर, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 11 + 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 11 + 2 एज स्टिच। देखिए रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको देखिए राइट साइड से स्टार्ट करना है, रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 11 2 टाइम्स 11 22 + 2 एज स्टिच करके टोटल 24 फंदा डाला है। देखिए रो 1 स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। रो 1 में आपको देखिए राइट साइड आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए रो 1 भी कंप्लीट कर लिया है, रो 2 रॉन्ग साइड आपको, अब यहाँ पर रॉन्ग साइड पर आपको सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है सब। रो 2 कंप्लीट कर लिया है सब उल्टा बुन के, अब देखिए रो 3 राइट साइड। अब देखिए रो 3 में आपको एज स्टिच आपको स्लिप करना है, फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद फर्स्ट में देखिए 3 फंदा सीधा, 1 2 3 3 फंदा सीधा। अब ये देखिए 2 का एक करना है आगे की साइड से, दो फंदा को एक फंदा बनाना है। अब यहाँ पर आपको बीच में एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए 2 का एक करना है बैक लूप से, पहले आपको 2 फंदा आपको नीट वाइज स्लिप करना है, फिर 2 का एक करना है बैक लूप से, और लास्ट में फिर से 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर आपको रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा, 2 का एक करना है एन ओवर, 1 फंदा सीधा एन ओवर, 2 का एक करना है 3 फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट। देखिए फर्स्ट में 3 फंदा सीधा, 1 2 3 2 का एक करना है आगे की साइड से, सॉरी फिर बीच में देखिए एन ओवर, 1 फंदा सीधा एन ओवर। अब देखिए 2 का एक करना है बैक लूप से, अब लास्ट में 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब देखिए यहाँ तक 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक, फिर देखिए लास्ट में आपको 1 फंदा बच गया जिससे सीधा। अब देखिए रो 4 रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के आपको अब कंप्लीट करना है।
रो 4 भी कंप्लीट कर लिया है, रो 5 राइट साइड। अब देखिए एज इट इज आपको स्लिप करना है, फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। अब देखिए इस दो का एक करना है आगे की सर से। अब यहाँ पर आपको देखिए एन ओवर, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, और फिर से एन ओवर। अब यहाँ पर आपको देखिए बैक लूप से दो का एक करना है, पहले दो फंदा आपको नीट वाइज स्लिप करना है, फिर दो का एक करना है बैक लूप से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए फिर से रिपीट करना है, अब आपको आपको रिपीट करना है दो फंदा सीधा, दो का एक करना है एन ओवर, तीन फंदा सीधा एन ओवर, दो का एक करना है लास्ट में दो फंदा सीधा। अब देखिए फिर से रिपीट करना है दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो का एक करना है आगे की सर से, फिर एन ओवर, दो फंदा सीधा, एक दो सॉरी तीन फंदा सीधा, फिर से एन ओवर, दो का एक करना है बैक लूप से, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको एक फंदा बच गया जिससे सीधा बुना है। अब देखिए रो 6 रॉन्ग साइड, सब उल्टा बुन के आपको कंप्लीट करना है। रो 6 कंप्लीट कर लिया है, रो 7 राइट साइड। एज स्टेज स्लिप करना है, फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में एक फंदा सीधा, अब दो का एक करना है आगे की साइड से, देखिए दो का एक करना है, फिर यहाँ पर आपको एन ओवर करना है, अब पांच फंदा सीधा बनना है, एक दो तीन चार पाँच, फिर एन ओवर करना है। अब देखिए दो का एक करना है बैक लूप से, दो फंदा नीट वाइज स्लिप करके दो का एक करना है बैक लूप से, और लास्ट में एक फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर एक फंदा सीधा, दो का एक करना है एन ओवर, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर एन ओवर, दो का एक करना है एक फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट, देखिए एक फंदा सीधा, दो का एक करना है, फिर एन ओवर, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर से एन ओवर। अब दो का एक करना है बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में एक फंदा बचेगा सीधा। अब देखिए रो 8 रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो 8 सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, रो 9 राइट साइड। देखिए रो 9 आपको राइट साइड पर आपको सब सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है सब। रो 9 कंप्लीट कर लिया है, रो 10 रॉन्ग साइड लास्ट रो। देखिए लास्ट रो में आपको क्या करना है, एज इट इज स्लिप करना है, फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है धागा पीछे। देखिए अब यहाँ पर आपको दो दो फंदा लेकर आपको करना है, इस दो फंदा और सेकेंड थर्ड फंदा को बीच में से आपको एक फंदा ड्रॉ करना है,
से ड्रॉ करके अब धागे को आगे करना है। अब ये दो फंदा उल्टा बुनना है, एक दो। अब इस धागे को पीछे करके एक्स्ट्रा फंदा निकाला था, इसको दो फंदा के ऊपर से पास ओवर करना है। से अब ये दो दो फंदा करके आपको पूरी रो कंप्लीट करना है। देखिए फिर से यही रिपीट करना है आप स्लिप फंदा को चढ़कर। देखिए थर्ड स्टिच और सेकेंड स्टिच के बीच में से आपको एक फंदा ड्रॉ करना है, फिर धागा आगे करके दो फंदा उल्टा, एक दो। अब धागा पीछे, अब ड्रॉ किया फंदा आपको पास ओवर करना है। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर से करना है एक फंदा ड्रॉ करना है यहाँ से, फिर धागा आगे करके दो फंदा उल्टा, एक दो। फिर धागा पीछे, फिर पास ओवर करना है। पूरी रो में आपको यही करते जाना है। देखिए फिर रो 10 कंप्लीट कर लिया है। 10 रो में आपको सरी जाना आएगा, आपको 1 से 10 रो तक ही रिपीट करते जाना है। फिर से ऐसे आपको रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से। देखिए रो 1, देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फोल्ड ले जाना आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।